क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम भविष्य में 1000 नहीं बल्कि 10,000 साल आगे चले जाएं तो हमारी प्यारी पृथ्वी कैसी नजर आएगी? क्या इसकी ज्यादातर सतह ज्वालामुखियों से घिरी होगी? क्या ये जमकर बर्फ बन चुकी होगी? क्या हो अगर आप इतने भी ज्यादा आगे बढ़ जाएं? क्या सारे समुद्र सूख चुके होंगे या पूरी दुनिया एक बड़े से समुद्र में डूबी हुई होगी? क्या कोई इंसान बचा रहेगा या सब गैलेक्सी के दूसरे हिस्सों में रहने लगेंगे? तो आइए आज के हम इसी वीडियो में जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा कि इस बात की संभावना बेहद कम है कि भविष्य में 1 अरब साल बाद पहुंचने पर कोई इंसान आपके स्वागत के लिए मौजूद होगा, क्योंकि इंसानी प्रजाति के वजूद को लेकर कई खतरे हैं और अगर हम 1 अरब साल तक बने रहना चाहते हैं तो हमें इन खतरों को झेलना होगा। हमने देखा कि कैसे कोरोना महामारी के सामने जिंदा रहने के लिए हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो कितनी संभावना है कि हम जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और वैश्विक परमाणु बम, जंग, खतरनाक एस्ट्रॉइड और कॉमेट, प्राकृतिक रूप से आने वाले शीत युग और सूरज से कई ज्यादा गर्म हो जाने के खतरों से जूझ सकेंगे। भविष्य में देखकर पता लगाते हैं। भविष्य में 10,000 साल बाद ही हमें डेका मिलेनियम बग नाम की एक बड़ी समस्या पहुंच जाएंगे। 10,000 ईस्वी को कैलेंडर को इनकोड यानी कोड करने वाला सॉफ्टवेयर 4 से ज्यादा डेसिमल यानी दशमलव को तारीखों को इनकोड नहीं कर पाएगा। बसते उम्मीद है कि हम इस बार उतना नहीं घबराएंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि 10,000 सालों में इंसानों के बीच जो जेनेटिक अंतर और लक्षण है वो क्षेत्र के आधार पर नहीं रह जाएंगे। त्वचा और बालों का रंग जैसे लक्षण पूरी दुनिया के समान रूप से पाए जाएंगे। शायद इससे आखिरकार हम सबको मिलजुल कर रहने में मदद मिलेगी। मौजूदा भाषाओं में से कोई भी पहचानी नहीं जा सकेगी। भविष्य की भाषाओं में आज की भाषाओं की केवल 1/3 मूल शब्द होंगे। पृथ्वी का एक नया ग्लेशियर पीरियड यानी ठंडा काल शुरू होगा, जिससे एक नए हिमयुग की शुरुआत होगी। नियाग्रा फॉल्स पूरी तरह से लेक इरी में समा जाएगा और दिलचस्प बात यह है कि पूरा पृथ्वी का एक दिन इस वक्त तक के एक सेकंड लंबा होने लगेगा। कितना ज्यादा वक्त होगा न चीजों के लिए। लो यही ज्वालामुखी पानी के स्तर से ऊपर पहुंचकर हवाई में एक नया द्वीप बन जाएगा। हो सकता है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा डायमीटर का एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा जाए और अगर हम इसे नहीं रोक पाते हैं तो इससे होने वाला क्रेटर यानी कि गड्ढा 400 किलोमीटर से भी कम बड़ा नहीं होगा। इससे पूरे ग्रह में आग फैलेगी और हवा सांस लेने लायक भी नहीं बचेगी। तो कुछ तो है जिसका आप इंतजार कर सकते हैं, और अगर ये सब काफी नहीं है तो एक और सुपर वोल्केनो यानी बड़ा ज्वालामुखी फटेगा जो इतना बड़ा होगा कि इससे 3,200 घन किलोमीटर जितनी राख निकलेगी। इससे इतना लावा निकलेगा जो 75% ग्रैंड कैनियन को भर सकेगा। ये 70,000 साल पहले हुए टोबा ज्वालामुखी विस्फोट जैसा होगा, जिसने लगभग पूरी इंसानियत का सफाया कर दिया था, और नजदीकी बीटल जूस तारा फट कर सुपरनोवा हो गया होगा, जिसके बाद ये दिन के वक्त भी पृथ्वी से नजर आ सकेगा जैसे कि हमारी पृथ्वी का दूसरा सूरज हो। इंसान पूरे सौरमंडल में रहने लगेंगे। इसका मतलब ये भी है कि अगर सभी ग्रहों की आबादी एक दूसरे से अलग रहती है तो इंसान प्रजातियों में विकसित यानी इवॉल्व होने की जो संभावना है वो काफी हद तक दुनिया के हिसाब से ढल चुकी होगी जहां वो रह रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका टूटकर अलग हो जाएगा और एक नया समुद्री बेसिन बना लेगा। 5 करोड़ सालों में अफ्रीका यूरेशिया के साथ टकराएगा, जिससे भूमध्य सागर बंद हो जाएगा और जमीन के इन दो टुकड़ों के बीच एक नई पर्वत श्रृंखला बनकर तैयार हो जाएगी। इस पर्वत श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक पहाड़ शामिल हो सकता है। अंतरिक्ष में मंगल का इसके खुद के चांद से टकराव हो जाएगा, जिससे उसके पास शनि की तरह छल्ले बन जाएंगे। कनाडा और अमेरिका के रॉकी पर्वत पूरी तरह से खत्म हो चुकेंगे। हवाई के सभी द्वीप पानी के स्तर से नीचे जा चुके होंगे और सिर्फ 10,000 साल में ही एक ऐसा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराएगा जो करीब 6,60,00,000 साल पहले डायनासोर को खत्म करने वाला एस्ट्रॉइड जैसा होगा। वो जो आकार में 10 किलोमीटर चौड़ा था, पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ मिलकर पैंजिया जैसे हो जाएंगे। हाँ, बस इस बार पैंजिया अल्टीमा कहाँ नहीं जाएगा, पर ज्यादा लगाव मत रखिए,
क्योंकि 40 से 50 करोड़ सालों में पैंजिया अल्टीमा फिर अलग होगा। पृथ्वी से 6500 प्रकाश वर्षों की दूरी के अंदर अंदर एक गामा रे विस्फोट होगा और अगर ये पृथ्वी से टकराता है तो ओजोन परत को नुकसान पहुंच सकता है और एक सामूहिक विलुप्ति के हालात बन सकते हैं। चांद पृथ्वी से इतनी दूर होगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण मुमकिन ही नहीं रह जाएगा, यानी कि बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। और सूरज की चमक 10% बढ़ चुकी होगी और पृथ्वी का औसतन तापमान 43 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हमारा वातावरण एक नीले ग्रीन हाउस की जैसा महसूस होगा और हमारे समुद्र बिल्कुल ही सूख चुके होंगे। इसके बाद ध्रुवों पर केवल थोड़ी सी मात्रा में पानी बचा रह जाएगा। जब तक आप टाइम मशीन से यहाँ आएंगे तो एक ऐसी पृथ्वी की मानसिक रूप से तैयार रहे जो आपको कभी देखी हुई ना लगे, यानी कि जिस पृथ्वी पर अभी हम रहते हैं उससे मेल ना खाए, क्योंकि ऐसा जो फ्यूचर की धरती है उसे देख के हो सकता है आपको चक्कर आ जाए। इंसानी प्रजाति यहाँ से खत्म हो जाएगी। उम्मीद है दूर के किसी ग्रह में बेहतर जीवन जीने के लिए तेज गर्मी और सांस लेने लायक हवा की कमी की वजह से पृथ्वी एक रहने लायक जगह नहीं रह जाएगी। तो आपको शायद लंबे वक्त तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको बाकी के सौरमंडल को देखने के लिए जाना चाहिए। शायद आपको अपने जैसे दूसरे इंसान या जीवन का कोई दूसरा इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान रूप मिल जाए। तो आइए अभी हम वापस आ जाते हैं अपने प्रेजेंट समय में, जहां अभी जीने योग्य वातावरण है और हम जी रहे हैं। पर अगर हमने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो जल्द ही हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ चुका होगा, जैसे कि बहुत सारे जानवर विलुप्त हो चुके। तो आइए आज यहीं पे हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।